सो हेलो गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ऐड स्ट्रिंग्स। तो बेसिकली हमें नंबर्स ही दिए गए हैं, दो नंबर्स को ऐड करना है। बस डिफरेंस ये है कि हमें ये एज अ स्ट्रिंग दिए हुए हैं। तो वेरी इजीली मैं एक बार दिखाता हूँ कि हम नंबर्स को ऐड कैसे करते हैं। आई नो दैट्स अ सिली थिंग, बट या लेट्स से दो नंबर, एक ये 111 है और एक 123। सो हाउ एक्चुअली ऐड 1 + 2 1 + 3 4, 1 + 2 3 and 1 = 1. Let's say we have one more number, let's say 7 5 6 and 3 8 9. So bachpan mein hum ise kaise karte the, 9 6 50, we note down 5 here and 1 here carry, and then 8 plus 5 is 13, then plus carry is equal to 14, again 1 carry, 7 plus 3 10 and plus 11. So we'll just write down the 11. सो बट बेसिकली हाउ हम इसे कोड किसे कैसे करते हैं। यहाँ 6 + 9 मुझे क्या आया, 15 आया, दिस इज 15, और यहाँ हमने सिर्फ 5 लिखा। तो हम 15 को अगर परसेंट 10 निकालेंगे तो मुझे इसका लास्ट डिजिट मिल जाता है एक्चुअली, तो ये मुझे 5 देगा। तो ये तो मैंने 5 यहाँ से परसेंट 10 से मुझे ये 5 मिल गया। और ये कैरी मुझे कैसे मिल जाएगा, और अगर इसी 15 को मैं डिवाइडेड बाई 10 करता हूँ तो ये कैरी मुझे 1 मिल जाएगा। तो हमें सिंपली दो नंबर्स को ऐड करना है, जो भी लास्ट के डिजिट्स हैं उनको ऐड करना है। जो भी मेरा सम यहाँ लेट से 15 है, उसका मुझे पहले 15% 10 करके 15 का 5 लिख लूँगा, और ये मेरा हो जाएगा जो कि यहाँ पे लिखा है टर्म, एंड कैरी मेरा हो जाएगा 15/10। तो ये एक मॉड्यूलर ऑपरेटर और डिवाइड ऑपरेटर से यूज़ करके हम इसे बहुत इजीली कर सकते हैं। तो लेट्स कोड इट फास्ट एंड यू विल अंडरस्टैंड इट, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। या सो जस्ट अ मिनट, या सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू कोड इन जावा। तो जावा में स्ट्रिंग्स क्या होती है, इम्यूटेबल होती है। इम्यूटेबल मीन्स लाइक अगर हम उसमें कुछ भी ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वो उसी स्ट्रिंग के बजाय एक नई स्ट्रिंग हर बार बनती है अगर हम उसमें कुछ भी चेंजेस करते हैं। तो वैसे तो हमें ऐड सब्ट्रैक्ट करने में, हम बहुत बार ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हर बार नई स्ट्रिंग, तो अच्छी बात नहीं है। सो वी विल नॉट डू डैट, वी विल मेक स्ट्रिंग बिल्डर। यू कैन से इट एज अ डायनामिक स्ट्रिंग, इसमें ये चीज़ नहीं होती, नॉर्मल स्ट्रिंग ही, बस ये स्ट्रिंग बिल्डर फॉर्मेट में। You can search about it on Geeks4Geeks or any good article. So first I am going to take two pointer. Now one dot length minus one. I will let you understand the code. Just let me write down the code. Yeah. And let's say our carry is initially zero. So while हम कब तक add करते हैं, जब तक हमारा फर्स्ट एरे में कुछ भी एलिमेंट बचाओ और जो सेकेंड स्ट्रिंग है उसमें भी कुछ भी नंबर बचाओ। ओके, तो पहले हम सब में कैरी को ऐड कर लेते हैं सबसे पहले। ओके, लेट्स से कैरी हमारा 1 है, 9 + 15 को जोड़ा था तो 5 ही ना लिखा था, 1 हमारा कैरी था। तो लेट्स से ये 15 मैंने एक बार कर लिया, सेकेंड टाइम में हूँ, तो सबसे पहले मैं 1 को ऐड करूँगा, उसके बाद कुछ नंबर ऐड करूँगा। तो मैं देखूंगा अगर पहले वाले नंबर, जो पहला वाला स्ट्रिंग है, उसमें भी नंबर बचा हुआ है तो हम उसमें ऐड कर देंगे। लेट्स से सम में हमने ऐड कर दिया नम वन डॉट कैरेट, कैरेट हमें स्ट्रिंग की एक कैरेक्टर की वैल्यू देती है, और यहाँ हम आई माइनस माइनस कर देते हैं। एक्चुअली ये कैरेट आई जो भी लास्ट इंडेक्स है उस पर मेरा ये क्या कहते हैं उस नंबर को ऐड करेगा, और फिर आई जो पॉइंटर है उससे एक डिक्रीमेंट कर देगा। आई विल एक्सप्लेन यू। सो या एंड माइनस जीरो इस वो मेरे कैरेक्टर को अगर हमें नंबर में कन्वर्ट करना है तो आप माइनस एक ऐसे कैरेक्टर से, बेसिक जो बेस कैरेक्टर होता है उससे माइनस करने पर वो इंटीजर बन जाता है। या सो सम इक्वल टू नम टू डॉट कैरेट जी माइनस फाइव। या सो लेट मी फिनिश द कोड एंड आई विल एक्सप्लेन यू। या सो दिस इज द कोड, आई हैव रिटन कंप्लीटेड द कोड। सो लेट मी एक्सप्लेन यू द कोड विथ एन एग्जाम्पल। सो वॉट नंबर वी हैव टेकन, या 7 5 6 एंड 3 8 9। सो लेट्स से टेक सम नंबर, वी हैव सम नंबर 7 5 6 एंड 3 8 9। ओके, सो हियर वी आर जस्ट मेकिंग अ
answer, let's say string, leave it for now. Now we are having two pointers. One pointer is I, like I is here at the end of first string, and J is at the end of second string. J is here right now, okay, at 9. Now let's say we have carry 0. Let's say यहाँ carry हमारा 0 है. 6 plus 9 15 होता है और यहाँ 0 होता है initially. तो हमने initially carry 0 लिया. हम इससे कब तक करेंगे? जब तक मेरा i greater than 0 है, j greater than equal to 0 है. Okay? So ये हमारी अगर indexing की बात करूँ तो मैं like बहुत easily मैं आपको दिखा देता हूँ जल्दी से. अगर ये मेरा एक string है 7 5 6, तो इसके index 0 है, इसके index 1 है, इसके index 2 है. तो जब तक हमारा स्ट्रिंग में कुछ भी एलिमेंट है विच इज आई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और जब तक मेरा सेकेंड स्ट्रिंग में, तब तक हम कुछ काम करेंगे. क्या करेंगे अब वो हमें जल्दी से देख लेते हैं. लाइक क्या? तो सबसे पहले हमने कैरी को ऐड किया, तो हमने जीरो को सम, एक सम वेरिएबल बनाया, उसके अंदर हमने कैरी को ऐड किया, तो सम जीरो. अब मैम ने चेक किया, क्या फर्स्ट जो आई मेरा इस स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करता है और जे मेरा इस स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करता है. तो हमने देखा आई में एलिमेंट है, तो बोला उसने हाँ है. तो हमने num1 at char i लोड कर दो, तो हमने बोला सम में ऐड कर दो num1 dot char at i. तो num1 कौन सा एरो है? ये 756 वाला. i की वैल्यू मेरा कितनी है? num1 dot length minus 1, तो num1 की लेंथ क्या है? 3, 3 minus 1 2, तो इसकी वैल्यू 2 है. तो char at second index क्या है मेरा? 6 है. तो मैंने बोला ठीक है, मेरे 6 एलिमेंट एक ला के दे दो. बट ये तो एक कैरेक्टर है, हम ऐड सब्ट्रैक्ट तो इंटीजर में कर सकते हैं. तो अगर मुझे 6 की इंटीजर वैल्यू चाहिए होगी तो हम कैसे लाएंगे? तो अगर हम इसे अपने बेसिक जो सबसे बेस वैल्यू होती है इंटीजर को, उससे सब्ट्रैक्ट कर दें तो मुझे 6 मिल जाएगा. लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आपने देखा होगा कि कैरेक्टर आपको एक डी दिया हुआ है, और एक कैरेक्टर अगर डी की पोजीशन पूछी गई कि लेट्स से डी की पोजीशन क्या होती है ए बी सी डी में, फर्स्ट पोजीशन सेकंड पोजीशन, तो हम सबको पता है कि फोर्थ पोजीशन होती है, और यू कैन से इट लाइक थर्ड इंडेक्स. ओके, थर्ड इंडेक्स होती है फोर्थ पोजीशन, मतलब लाइक बहुत जल्दी ए बी सी डी होता है, और इसकी वैल्यू, आस्की वैल्यू 97 होती है, 98 होती है, 99 होती है, 100 होती है. तो अगर हम जीरो इंडेक्सिंग से लेके चले तो 0 1 2 3 थर्ड इंडेक्स होती है. तो ये आस्की वैल्यू डी की क्या है? 100. बट मुझे क्या आंसर चाहिए? 3 या और यू कैन से लाइक या. तो हम इसमें से ए, जो हमारा सब जहाँ से शुरुआत होता है, अगर हम डी में से ए को सब्ट्रैक्ट कर दें, अगर हमने 100 में से 97 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो मेरा 3 हमें मिल जाता है. ओके, तो डैट मीन्स अगर कैरेक्टर में से हम बेस कैरेक्टर जो हमारा ए है और यहाँ पे जो 0 है, उसको अगर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमें इंटीजरल वैल्यू मिल जाती है कि वो इंटीजरल डिफरेंस या सम क्या होगा. ओके, सो लेट्स बैक टू द न्यू क्वेश्चन. सो बहुत ही जल्दी या सो 7 5 6 3 8 9, यहाँ पे हमारा आई है, यहाँ पे हमारा जे है, और कैरी इनिशियली 0 है. तो हमने चेक किया कि क्या सम जो भी मेरा कैरेट 2 है, उसको सम में ऐड कर दो. तो सम मेरा सबसे पहले हमने 0 ऐड किया था, फिर 6 ऐड किया, फिर हमने सेकेंड लाइन पे आया, और फिर हमने चेक किया कैर एट, अब सेकेंड नंबर जो ये नम 2 है, इसके लास्ट इंडेक्स पे क्या है? 9. तो उसे ऐड कर दो. तो हमने लाइन किया, तो सम की वैल्यू क्या होगी? 15. अब मेरा जो आंसर स्ट्रिंग है वो इनिशियली तो एम्प्टी है, कुछ नहीं है. तो हमने बोला आंसर में अपेंड कर दो. लाइक यहाँ पे अगर हम सम कर दें तो क्या लिखते हैं? 5 लिखते हैं और 1 कैरी लेते हैं. तो पहले हम सबसे पहले 5 लिखते हैं, तो हमने बोला कि आंसर में 5 लिख दो और कैरी को 1 दे दो. कैरी को हमने सम बाई 10 से कैरी को 1 दे दिया. ओके, यहाँ ये हमारा कैरी है. एक्चुअली मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, इट विल लुक मच मोर या. सो ये हमारा कैरी है. ओके, और ये वाइल लुक हमारा यहीं ख़त्म होता है. अब हमने चेक किया कि आई में कुछ एलिमेंट है, जे में कुछ एलिमेंट है, ट्रू है हमारा कंडीशन, तो हम फिर से आ जाएंगे वापस करते हैं. तो सम मेरा क्या हो जाएगा? कैरी. ओके, तो एक्चुअली सम इज इक्वल टू कैरी. तो सम मेरा कैरी क्या होगा? तो क्या 1 हो जाएगा. पहले मेरा सम भले ही 15 था, बट यहाँ पे हमने सम इक्वल टू कैरी कर दिया है, कि जो भी कैरी की वैल्यू होगी वही मेरा सम होगा.
अगेन व्हेन वी कम हियर वी कैन सी दैट आई हमारा घट के यहाँ आ गया था और जे हमारा घट के यहाँ आया था। ये जैसे इसने जे पे वैल्यू उठाया फिर अपने आप को डिक्रीमेंट कर लिया। ओके अगेन 5 + 8 कितना होता है 13, 13 + 1 एक 14, तो सम हमारा 14 हो गया एक्चुअली। देन हमने पहले आंसर में 4 अपेंड किया इस लाइन से, सम परसेंट 10, अगर 14% 10 निकालेंगे तो हमारा 4 आएगा मॉड्यूलो फिर से, और कैरी में सम अपॉन 10 कर दिया तो 14/10 करेंगे तो 1 हो गया, तो कैरी में हमने 1 स्टोर कर लिया। ओके कैरी में 1। अब अभी भी हमारे एलिमेंट्स बचे हुए हैं, आई भी मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और जे भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो अगेन हम क्या करेंगे या सो अगेन हम यहाँ पे सम इक्वल टू कैरी कर देंगे, तो सम मेरा केन से 1 हो जाएगा, फिर सम मेरा एक क्या 7 है आई एथ इंडेक्स पे और यहाँ पे जितने 3 है, तो ये मेरा सम 10 हो जाएगा। तो अगर हमने 1 + 10 किया तो ये 11 हो जाएगा बेसिकली। तो अगेन हमने आंसर में 1 किया एंड एंड 1 हमारा कैरी में चला गया। ओके सो 1 इज एन आवर कैरी, तो 541 आया हमारा यहाँ पे और कैरी 1 आया। ओके और कैरी इक्वल टू सम 10। अब हम इस लूप से तो बाहर आ गए, हमारा आई भी ख़त्म और जे भी ख़त्म, बट यहाँ हमारा कैरी बचा हुआ है 1। तो हमें क्या करना है, हम एक बार चेक करेंगे क्या मेरा कैरी कुछ बचा हुआ है, अगर हाँ तो उसे भी आंसर में अपेंड कर दो। तो 5411 आया, ये हमारे आंसर बनाया, बट एक्चुअली अगर हम यहाँ पे ऐड करें जस्ट क्विकली या 6 + 9 क्या होता है 15, 5 8 13 + 1 14, 7 3 10 1 11, ये 1145 होता है और हमारा जस्ट रिवर्स आ रहा है 5 4 11 11। तो हमने यहाँ जो भी हमारा आंसर आया उसको रिवर्स किया और टू स्ट्रिंग, हमने इनिशियली स्ट्रिंग बिल्डर बनाया था जो कि एक्चुअली स्ट्रिंग नहीं होता और हमारा रिटर्न टाइप स्ट्रिंग है, इसे हम स्ट्रिंग बिल्डर नहीं रिटर्न कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे डॉट टू स्ट्रिंग मेथड लगा दिया और रिटर्न कर दिया। अब हम जल्दी से इसको रन करके कोड को देख लेते हैं। Let's run our code. Let me just clear the screen. Yeah. So our answer is running. Just submit the code. Just a minute. Yeah. So yeah. Let me see. Yeah. It's 2 milliseconds faster. Okay. Just a second. Why it's irritating? Okay, just let me close this. So 2 milliseconds faster, 91.768. Sometimes it goes 100% also. So this way we can solve. So thanks guys for watching. If you have some doubts, you can ask me in comments. Okay. Yeah.